दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो का बहुत खास उद्देश्य है, वो ये है कि जितने भी भाई लोग हैं जो अपाची आरटीआर 162V के जो नए मॉडल हैं, तीन मॉडल यानी कि एक बेस मॉडल जिसमें आपको सिंगल डिस्क मिलता है, दूसरा मिलता है डुअल डिस्क के साथ और तीसरा आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो कि सबसे टॉप मॉडल है, इन तीनों को लेकर कन्फ्यूज हैं कि लेनी कौन सी चाहिए। और ज़्यादातर शोरूम पर जो टॉप मॉडल है ना ब्लूटूथ के साथ जो आ रही है वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको वेट करना चाहिए, 3000 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए या फिर आप जो है इसके सेकेंड टॉप से ही काम चला सकते हैं। अब देखिए, मैंने सेकंड टॉप इसलिए बोला क्योंकि जो बेस मॉडल है जिसमें सिंगल डिस्क मॉडल आता है, पीछे डिस्क नहीं लगा है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 160cc की बाइक है, बेहतरीन पावर है, आपकी कंट्रोलिंग आपकी ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप या तो डुअल डिस्क लीजिए या फिर आप इसका सबसे टॉप मॉडल लीजिए, लेकिन उससे पहले दोनों में फर्क जानिए ताकि आप डिसाइड कर पाएं। स्क्रीन पर देखिए दोनों का मीटर कंसोल आपको दिख रहा होगा और इन दोनों की इंजन वगैरह में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जो मेन फर्क है मीटर कंसोल, देखिए यहां पर जो डुअल डिस्क मॉडल है इसमें आपको नीट एंड क्लीन सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो चीज नहीं मिलती टॉप मॉडल की अपेक्षा वो है सबसे पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा टॉप मॉडल में, लेकिन ये आपको सेकंड टॉप में नहीं दिखेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जो टॉप मॉडल है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर के जस्ट बगल में आप देखिए ब्लूटूथ का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा और इसके थ्रू बहुत सारे फीचर अपग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे ही अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट करवा देंगे ना तो आपके फ़ोन पर जितने भी कॉल मैसेज अलर्ट, जितने भी SMS आएंगे, कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, जो भी आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। साथ ही साथ नेविगेशन असिस्ट भी आपको देखने को मिलता है और लगभग सारी में सेम है, लेकिन ये दो खास फर्क आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही चीजों में। और इसके लिए कंपनी आपको 3000 रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले रही है क्योंकि इनका इंजन स्पेक सारी चीजें सब कुछ सेम है, बस कनेक्टिविटी का जो है इसमें फर्क आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आपको अप टू रिच होना है, मतलब अपडेट होना है, पूरी तरह से अपडेटेड होना है, फीचर वगैरह बहुत पसंद है आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत पसंद है, अपने फोन को हमेशा कनेक्ट करके आप चलना चाहते हैं, तो फिर आप इसका टॉप मॉडल ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसका सेकंड टॉप यानी कि डुअल डिस्क मॉडल ले लीजिए, 3000-4000 रुपए जाएंगे तो उससे दिक्कत क्या है, बढ़िया है, बचेंगे। आप दोस्तों को पार्टी वार्टी दे देना यार, क्योंकि इतनी महंगी बाइक जब आप लेके घर पे जाएंगे तो 1-2 हज़ार का चूना तो वैसे दोस्त लोग मिलके लगा देते हैं, सही बात है कि नहीं, कमेंट में करके बताइएगा। तो ठीक है, तो अगर आपको पैसा कुछ बच जाएगा तो वो पार्टी वार्टी में काम आ जाएगा आपके। चलिए, आपकी क्या राय बताइएगा। और दोनों में, तीनों में, मतलब सॉरी तीनों ही मॉडल में आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, अर्बन मोड, रैंड मोड, स्पोर्ट मोड, ठीक है, इसको लेके कोई डाउट मत करिएगा। इसमें एवरेज स्पीड हो गई या फिर 0-60 कितने देर में आप पहुंच रहे हैं वो, साथ ही साथ टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, मतलब फुल ऑन कंप्लीटेड है ये मीटर कंसोल से। जो फीचर वगैरह हैं सब बहुत बेहतरीन है, ठीक है। जो मेन फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया, मिलूँगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।